प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप ट्रेनर सीईओ कोच पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितानात्म चिंतनेन्द्रिय सर्वभूतानां भूतानां कुर्वन्नपि लभ्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। And the most important opinion from the Dale Carnegie की पुस्तक लोक व्यवहार, बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, इसे पढ़ें, समय मिले तो ज़रूर पढ़ें। जब हम गलत होते हैं तो हम अपने मन में अपनी गलती मान सकते हैं, यही नहीं, अगर हम सामने वाले समझदारी और कूटनीति से काम लें तो हम उसके सामने भी अपनी गलती मान सकते हैं और अपने खुलेपन और उदारता पर गर्व कर सकते हैं, परंतु तब नहीं जब दूसरा इस बात पर गिरेबान पकड़ लें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ टूडेज आर, मनोज सिन्हा ने कहा, पाकिस्तान की बर्बरता कभी नहीं भूलेंगे कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 22 अक्टूबर 1947 के दिन किस तरह पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। पाकिस्तानी फौज और कबायली ने मुजफ्फराबाद, गुलाम कश्मीर में हजारों और तादाद में निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया। हमें पाकिस्तान की बर्बरता को नहीं बल्कि उसे खिलाफ कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की नापाक साजिशों और उसके छंद द्वित से राज्य की वर्तमान भावी पीढ़ी को अवगत कराने पर जोर दिया। मनोज सिन्हा श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने गए थे। मालूम हो कि देश विभाजन के बाद कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कबायली के साथ मिलकर 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया था। गुलाम कश्मीर से उजड़े लोग और राज्य की जनता उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रही। 73 सालों में पहली बार इस साल कबायली हमले के सच को उजागर करने के लिए म्यूजियम ऑफ 22 अक्टूबर 1947 के प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। उपराज्यपाल ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कई बार पाकिस्तानी फौज और कबायलियों ने के कश्मीर पर हमले, लूटमार और आगजनी का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों का हमदर्द नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाक सेना की ताकत बढ़ाने को तैयार। दुश्मन के टैंक को तबाह करने की क्षमता रखने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाक को सर्व गुरुवार को राजस्थान के जैसलमेर के जिले में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में सुबह 6:45 बजे परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से विकसित नाक के अंतिम चरण के सफल परीक्षण के बाद अब यह सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मिसाइल के शामिल होने से सेना की ताकत पहले से अधिक बढ़ जाएगी। सेना व डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया गया। पोखरण फायरिंग रेंज में नमिका कैरियर से दागी गई मिसाइल ने यहां रखे एक वास्तविक टैंक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। परीक्षण के बाद विशेषज्ञों ने टैंक की जाँच की, जिसमें पाया कि मिसाइल के प्रहार से पूरी तरह नेस्ताबूद हो चुका था। मानकों पर खरी उतरने के बाद अब इसका उत्पादन होगा। नाग मिसाइल का निर्माण पब्लिक सेक्टर की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगी। लोहा बनाने वाली भिलाई शहर के नाम जुड़ेगी एक और उपलब्धि। वरदान होगा यह बुलेट प्रूफ जैकेट। देश के लिए मजबूत लोहा बनाने वाली भिलाई शहर का नाम जल्द ही सैनिकों के उपयोग में लाने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट भी जुड़ जाएगा। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यहाँ की एक निजी कंपनी का केंद्र सरकार से अनुबंध हो गया है। सेना में वर्तमान में उपयोग की जा रही जैकेट 17 किलो वजन की है। यहाँ बनी 11 किलो की जैकेट गुणवत्ता में बेहतर होने के साथ साथ कीमत में 40% से कम है। सरकार और सेना के विशेषज्ञ इसके उत्पादन पर नज़र रखेंगे। वर्तमान में सैनिक जिस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं उनमें से ज़्यादातर निर्माण कानपुर में एक निजी कंपनी करती है। इजराइल, इंग्लैंड, फ्रांस और ग्रीस से भी बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई जाती है। चीन से रिश्ते खराब होने के बाद आयात बंद कर दिया गया है। भिलाई में बनने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाएगा। यह स्टील से हल्का और उससे कई गुना अधिक मजबूत होता है। इसके उपयोग में सैनिकों के लिए जोखिम और कम हो जाएंगे। वर्तमान सरकार 32 से 40 हज़ार की दर से जैकेट खरीदती है। भारत देश आगे बढ़ता जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत देश बन के रहेगा।
उदयगिरी में महिषासुरमर्दिनी की 12 भुजाओं की वाली अनूठी प्रतिमा, मध्य प्रदेश स्थित ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा गुप्तकालीन मूर्तिकला की अनमोल धरोहर विद्यमान है। इनमें से एक है गुफा नंबर 6 के सम्मुख चट्टान पर उत्कीर्ण महिषासुरमर्दिनी की 12 भुजाओं वाली अनूठी प्रतिमा। पुरातत्वविदों के अनुसार लगभग 1600 वर्ष पुरानी यह प्राचीनतम प्रतिमा अग्रणी है। यह प्रतिमा अपनी विशिष्ट शैली के कारण देश विदेश के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती रहती है। इसकी एक विलक्षणता यह भी है कि महिषासुर को उसमें पशु रूप में उकेरा गया है, खंडित होने के कारण हालांकि इस प्रतिमा की पूजा नहीं होती। विदिशा शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी में कुल 20 गुफाएँ हैं, जिसमें हिंदू सनातन धर्म के अलावा जैन पंथ से संबंधित मूर्तियाँ भी गुफा नंबर 1 और 20 में हैं। देवी देवताओं के प्रस्तर प्रतिमाएँ पहाड़ी चट्टानों पर उकेरी गई। महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा गुफा नंबर 6 के बाहर पत्थर की दीवार पर उत्कीर्ण करी गई है। दुर्गे स्मृता हर्षि भी तमशेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिम तिव शुभम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणी का तो दुनिया सरोपकार करणाम चिता। पाकिस्तान में सेना पुलिस में संघर्ष, 15 की मौत। खस्ता हाल पाकिस्तान में उग्र युद्ध जैसा युद्ध बन गया है। पुलिस के मामले में अर्धसैनिक बल पाकिस्तानी रेंजर्स के हस्तक्षेप के बाद सिंध प्रांत में पुलिस और सेना आमने सामने आ गई। दोनों के बीच हुई भीषण गोलाबारी में 5 सैन्य अफसरों और 10 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब सेना ने SP मोहम्मद आफ्ताब अनवर को हिरासत में लेने की कोशिश की। सिंध पुलिस में विद्रोह की स्थिति है और ज़्यादातर अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया है, जबकि पाकिस्तान के में मुख्य धारा का मीडिया गंभीर होते हालात को जनता से छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले ने उस उक्त तुल पकड़ा जब 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 18 अक्टूबर को कराची में एक विशाल रैली की। इसमें सेना को कठपुतली इमरान खान सरकार और सेना पर जमकर निशाने साधे गए। लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता नवाज शरीफ ने भी रैली में संबोधित किया। PMLN के नेताओं के अनुसार स्थिति तब खराब हो गई जब पाकिस्तान रेंजर्स नवाज शरीफ की बेटी और PMLN के नेता मरियम नवाज के पति कैप्टन सेवानिवृत्त मोहम्मद सफदर आवाम के खिलाफ FIR व उनकी गिरफ्तारी का दबाव बनाया। साथ ही सिंध प्रांत के IG मुश्ताक मेहर का अपहरण कर लिया गया। हालांकि आवाम को होटल से गिरफ्तार किया गया, लेकिन IG का अपहरण किए जाने से पुलिस व पाक रेंजर्स में टकराव हो गया है। पेरिस की भयावह घटना का सबक। पिछले दिनों पेरिस में 18 वर्षीय लड़के द्वारा शिक्षक सैमुअल पेटी की बर्बर तरीके से की गई हत्या ने विश्व को झकझोर कर दिया। पुलिस ने शिक्षक की हत्या के बाद इस लड़के को मार गिराया। वह चेचेन मूल का शरणार्थी था। सैमुअल पैटी ने फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली आब्दो द्वारा प्रकाशित पैगंबर मोहम्मद साहब के व्यंग चित्रों को अपनी कक्षा के छात्रों से साझा किया था, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता से समझा जा सके। यह चित्र पहली बार 2005 में डेनमार्क के एक समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 2006 में शार्ली आब्दो ने इस चित्रों को पुनः प्रकाशित किया। इस कारण 2015 में एक आतंकी हमले में उसकी एक कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। इस मामले में 14 लोगों पर मुकदमा चल रहा है। पेरिस की भयावह घटना ने विश्व में इस बहस को फिर से छेड़ दिया कि क्या इस्लाम को मानने वाले वाकई में असुहिर होते हैं। इस्लाम अरबी भाषा के शब्द सलाम से निकला है, जिसका अर्थ होता है शांति। इस्लाम यह नहीं कहता कि अगर कोई आपके विचारों से सहमत नहीं है तो आप उसे नफरत करने के लगे, उसे अपना विरोधी समझने लगे और उसे हिंसा करने पर उतारू हो जाए। कुरान में कहा गया है, एक निर्दोष को मारना समस्त मानवताओं को मारने जैसा है। बहुत लंबे समय से प्रचलित यह इस्लाम में इश निंद करने वाले की सजा केवल मृत्युदंड है। लेकिन इस्लाम के अनुसार किसी भी प्रकार की निंदा केवल गलतफहमियों का मामला होती है। निंदा करने वालों के साथ शांतिपूर्ण चर्चा के लिए जारी और उनकी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस्लामी सिद्धांत पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बातचीत की प्रक्रिया पर आधारित है।